हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है पंचायती राज। क्लास 6 की जो क्वालिटी है उसमें चैप्टर नंबर 5 हम आज डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे दिखाया गया आपको ग्राम सभा की पिक्चर। बताया कि इट्स स्पेशल डे जहाँ पे एवरीवन रेसिंग टू गेट टू ग्राम सभा। ग्राम सभा जो बेसिकली आपके गाँव के लोगों की जो सभा होती है उसके कंटेक्स्ट में इसको बोला जाता है, जहाँ पे सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। डू यू नो व्हाई, क्यों ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं? बिकॉज द ग्राम सभा इज होल्डिंग इट्स फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द इलेक्शन ऑफ न्यू ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में आपके जो 18 प्लस के लोग हैं एंड जो वोटर्स हैं, एंड फिर 500 अगर वोटर हैं तो आपकी ग्राम पंचायत बना दी जाती है। ग्राम सभा इज मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट्स हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय पंचायत। जो पूरा एरिया है उसके जो लोग हैं उनको हम बोलते हैं, जो एडल्ट है उनको सभा बोलते हैं। एंड दिस कुड ओनली बी डन वन विलेज और फ्यू विलेज हो सकते हैं उस स्टेज पे। आपका एग्जाम्पल हो सकता है जैसे विलेज मीटिंग हेल्ड फॉर ईच विलेज एंड इवन ऑफ 18 ईयर ओल्ड या फिर इससे ज्यादा जो है उनके पास राइट टू वोट होता है, वो मेंबर भी बन सकते हैं ग्राम सभा के। पीपल ऑफ हदरास विलेज इज कीन टू फाइंड द न्यू पंचायत या फिर लीडर हैव प्लान फॉर द विलेज। ग्राम सभा के बारे में देखें तो मीटिंग बिगिंस विद पंचायत का जो प्रेजिडेंट, क्या बोलते हैं उसको, सरपंच, एंड इसकी मेंबर को बोलते हैं पंच। ये मीटिंग करते हैं अबाउट डेवलपमेंट ऑफ द विलेज या फिर जो भी गाँव में काम करवाने हैं उनकी रिगार्डिंग, लाइक रिपेयरिंग द रोड दैट कनेक्ट टू द विलेज टू मेन हाईवेज। आफ्टर द डिस्कशन मूव टू सब्जेक्ट ऑफ वाटर, वाटर की शॉर्टेज, इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। एंड जो आपका हर एक विलेज है पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स में, इसको डिवाइड करते हैं जैसे उसको हम बोलते हैं वार्ड के कंटेक्ट में, उनसे हम पंच इलेक्ट करते हैं। एंड ईच वार्ड इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, उसको हम बोलते हैं वार्ड मेंबर या फिर पंच। ऑल द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा ऑल्सो इलेक्ट ए सरपंच, सभी लोग डायरेक्टली सरपंच के लिए वोट डालते हैं। एंड द वार्ड पंच एंड द सरपंच जो है फ्रॉम द ग्राम पंचायत, मतलब ये सब मिलके फॉर्म करते हैं ग्राम पंचायत को। उसके बाद द पंचायत इज इलेक्टेड फॉर 5 ईयर्स एंड इसको हम राइट टू रिकॉल का प्रोविजन है हरियाणा के अंदर। द ग्राम पंचायत हैज सेक्रेटरी हु इज ऑल्सो ए सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा, कई इसको नाम अलग अलग ग्राम सचिव इसको बोलते हैं। दिस पर्सन इज नॉट एन इलेक्टेड पर्सन नहीं होता बट अपॉइंटेड होता बाय द गवर्नमेंट, मतलब इसकी अपॉइंटमेंट की जाती है। एंड द सेक्रेटरी इज रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर कॉलिंग द मीटिंग्स ऑफ ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत एंड कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग, और सारा रिकॉर्ड इसके पास होता है। उसके बाद ए विलेजर कार्ल तिजिया बिगिंस द मीटिंग बाय सेइंग दैट द वाटर प्रॉब्लम जो है हथरस विलेज में बिकेम वेरी अक्यूट है एंड यहाँ पे हैंडपंप की रिक्वायरमेंट हैज गोन बिलो द पॉइंट टू विच द ग्राउंड हैज बीन ड्रेन्ड, मतलब पानी नीचे जा चुका है, वी हार्डली गेट एनी वाटर एंड वो मैन हैव टू गो फॉर सुरु रिवर, 3 किलोमीटर तक जाना पड़ता है। वन ऑफ द मेंबर्स ने सजेस्ट किया एक पाइपलाइन हम यहाँ पे लेके आते हैं जो इंक्रीज करेगा सप्लाई को, बट द अदर्स थिंक दैट इट विल बी एक्सपेंसिव हो सकता है, इससे अच्छा है कि हम इसी को ज्यादा डीप करवा लें। एंड तीजिया बोलता है दिस इज नॉट इनफ, वी नीड डू समथिंग मोर, परमानेंट आपको ग्राउंड वाटर लेवल ऊपर लेके आना पड़ेगा एंड वी आर यूजिंग मोर वाटर दैट इज सिपिंग इन टू द ग्राउंड। अनदर मेंबर ने क्या सजेशन दिया कि एवरीवन हैज बिन वेज ऑफ कंजर्विंग वाटर, हमारे पास रिचार्ज करने के मेथड है उससे कर सकते हैं। एंड इट इज इन विलेज जो आपका महाराष्ट्र में है वेयर वी हैड वंस गॉन विजिट, एक बार हमने देखा भी था, इसको हम क्या बोलते हैं वाटर शेड डेवलपमेंट। एंड ऑल्सो हैड अबाउट द गवर्नमेंट आपको मनी भी देगा इसके लिए। एंड इन दिस इन हिज ब्रदर उसके भाई के गाँव में हैड प्लांटेड ट्रीज, कंस्ट्रक्शन चेक डैम उन्होंने बनाए थे, टैंक्स वगैरह, एंड एवरीवन कोट दिस वाज इंटरेस्टिंग आइडिया लगा सबको। एंड द ग्राम पंचायत वॉज आस्क टू फाइंड अबाउट द डिटेल्स। द नेक्स्ट टाइम आइटम क्या था आपका, एजेंडा फॉर द ग्राम सभा फॉर द फाइनलाइजेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों की आपकी लिस्ट तैयार करनी है जो अप्रूव्ड होगी ग्राम सभा से ही। एंड एज सुन एज द लिस्ट इज रीड आउट पीपल बिगिन टू विस्पर, यहाँ पर बताया गया नेटवर्क हैज कोई टीवी वगैरह खरीदा सजेस्ट, एंड हिज सन हैज सेंट हिम ए न्यू मोटरसाइकिल, हाउ कैन ही द बिलो पॉवर्टी लाइन, वो कैसे हो सकता है बिलो पॉवर्टी लाइन, सेंड सूरजमल मटर्स टू द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू हिम। सूरज से दैट सुखी भाई, हाउ डिड द बिरजू नेम गेट इन टू लिस्ट, उसका नाम कैसे आया है एंड उसके पास इतनी सारी लैंड है। दिस लिस्ट शुड हैव ओनली पुअर पीपल एंड ओम प्रकाश इज लैंडलेस लेबर है एंड बेयरली उसका गुजारा हो रहा है, बट उसका नाम इस लिस्ट में नहीं है। यू नो दैट द नटवर एंड बिरजू आर फ्रेंड्स ऑफ अमीर चंद, जो कि एक काउंटर है
सॉरी हु कैन काउंटर अमीर चंद पावर. सो ही सेज दैट अमीर चंद वॉज द अर्लियर जमींदार था ऑफ द विलेज एंड स्टिल कंट्रोल है उसके पास लैंड का. बट वी शुड गेट ओम प्रकाश नेम पुट इन, कि हमें ओम प्रकाश का नाम इसमें रखवाना पड़ेगा. देन द सरपंच नोटिस दैट पीपल विस्परिंग एंड आस्क इफ एनीवन हैज एनीथिंग टू से. सरोज ट्राइज टू प्रोवोक सूरजमल टू आस्क कि नटवर एंड बिरजू का नाम कैसे है, बट ही कीप्स दैट क्वाइट. मतलब इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं किया उसने. अमीर चंद इज सिटिंग इन द ग्राम्स पर कीपिंग एन आई ऑन एवरीवन. देन सरोज गेट अप एंड से दैट ओम प्रकाश का जो नाम है वो बीपीएल की लिस्ट में नहीं है. अदर एग्री दैट he and his family is very poor. The sarpanch asks how his name has been missed out, कि उसका नाम कैसे नहीं है. The person who did the survey of BPL, कि जिसने BPL का सर्वे किया है, family says Om Prakash house उस दिन बंद था. And he may go somewhere look for the work. And panchayat sarpanch ने give instruction वगैरह दी कि Om Prakash की family income जो है बहुत कम है. Decided by the government his name should be included in the list, कि उसका नाम यहाँ पे डाल जाए. ग्राम सभा की बात करें, एक की फैक्टर है इन मेकिंग द ग्राम पंचायत प्ले इट्स रोल एंड रेस्पॉन्सिबल के लिए. इट्स ए प्लेस जहाँ पे हर प्लान को एग्जीक्यूट किया जाता है बिफोर द पीपल एंड द ग्राम सभा प्रिवेंट द पंचायत फ्रॉम डूइंग रॉन्ग. ग्राम सभा के जो लोग हैं वो ग्राम पंचायत को क्वेश्चनिंग कर सकते हैं लाइक मिस यूजिंग मनी फेवरिंग सर्टेन पीपल. इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन कीपिंग एन आई ऑन द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर आप निगरानी रख सकते हो जिनको आपने इलेक्ट किया. देखते हैं ग्राम पंचायत. ग्राम पंचायत मीट्स रेगुलरली. वन ऑफ इट्स मेन टास्क रहता है कि इंप्लीमेंट करें डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को विलेज के हर एक कॉर्नर में. एंड एज यू सीन हैव दैट वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत हैज बीन अप्रूव्ड बाय द ग्राम सभा. इसके जो वर्क है वो ग्राम सभा ही अप्रूव करेगी. इन सम स्टेट ग्राम सभा एंड कमेटी लाइक कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट कमेटी हमारे पास होती है. दीज कमेटी इंक्लूड द सम मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा एंड सम फ्रॉम द ग्राम पंचायत जो एक साथ मिलकर काम करेंगे स्पेसिफिक टास्क के ऊपर. निर्मल ग्राम पुरस्कार मिला था ऐसे और इंपॉर्टेंट. लेट अस सी द हदरस ग्राम पंचायत वाज एबल टू डू. रिमेंबर दैट ऑप्शन दैट वी सजेस्टेड टू सॉल्व द वाटर प्रॉब्लम इन द ग्राम सभा ऑफ हदरस विलेज. हदरस विलेज में एक मीटिंग हुई थी. दिस मीटिंग वाज ब्रॉट अगेन बाय सम ऑफ द मेंबर्स. दिस मीटिंग वाज अटेंडेड बाय द सरपंच. वार्ड मेंबर बीच में थे और सेक्रेटरी भी आया हुआ था जो कि सारी प्रोसीडिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है. मीटिंग वगैरह कब होंगी. ग्राम पंचायत मेंबर फर्स्ट सजेस्ट डिस्कशन किया था कि सजेशन टू डीपन द टू हैंडपंप्स और डीप करवाएं इसको और इसको क्लीन एक को क्लीन करवा सकते हैं एंड वुड नॉट गो विदाउट वाटर. देन द सरपंच सजेस्ट दैट सिंस द पंचायत हैड रिसीव्ड सम मनी फॉर मेंटेनेंस ऑफ हैंडपंप देन दिस कुड बी यूज्ड फॉर कंप्लीटिंग दिस वर्क एंड द मेंबर एग्रीड एंड सेक्रेटरी ने इसको रिकॉर्ड कर लिया. उसके बाद मेंबर्स देन वेंट टू द डिस्कशन फॉर द ऑप्शन फॉर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए ये सोचने लगे एंड दे वर श्योर दैट ग्राम सभा के जो मेंबर हैं आस्क क्वेश्चन एट द नेक्स्ट मॉर्निंग. सम पंच आस्क्ड दैट वेदर द वाटर शेडिंग प्रोग्राम कुड मेक इट सस्टेनेबल. आपका कोई ज्यादा डिफरेंस है टू द वाटर लेवल. ए लॉट ऑफ डिस्कशन यहाँ पे हुआ था. इन द एंड इसको डिसाइड किया कि ग्राम पंचायत जो थी ये ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जिसको हम BDO बोलते हैं उनसे हम इन्फॉर्मेशन मांगेंगे इस स्कीम के रिगार्डिंग. उसके बाद थ्री लेवल ऑफ पंचायत की बात करें. आफ्टर रीडिंग अबाउट द व्हाट हैपेंड इन द ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत इन हदरस विलेज यू विल अंडरस्टैंड दैट द पंचायती राज सिस्टम जो है एक प्रोसेस है जिससे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो आपके खुद के गवर्नमेंट के अंदर. इन द रूरल एरियाज द ग्राम पंचायत ये फर्स्ट टायर होता है. सेकेंड टायर आपका स्टेट लेवल पे होगा स्टेट गवर्नमेंट. थर्ड टायर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट. एंड अगर पंचायत से ग्राम पंचायत से ऊपर बात करें देन आपका अर्बन लोकल बॉडीज स्थानीय शहरी स्थानीय निकाय जिसको बोलते हैं. बेसिकली एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है. पंच एंड द ग्राम पंचायत आर आंसरेबल किसके लिए होते हैं. ग्राम सभा के लिए. बिकॉज इसके जो मेंबर हैं ऑफ ग्राम सभा यही इनको इलेक्ट कर. तो कंफ्यूजन नहीं रखना. ग्राम सभा में सभी लोग आएंगे जो 18 प्लस हैं. ग्राम पंचायत में आएंगे जो इलेक्ट हुए. दिस आइडिया ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन पंचायती राज सिस्टम एक्सटेंड टू टू अदर्स लेवल. वन इज ब्लॉक लेवल व्हिच कॉल्ड जनपद पंचायत एंड पंचायती सिस्टम. अगर वैसे की बात करें स्टेट वाइज वेरी करेगा बट थ्री टायर है यहाँ पे भी हमारा. ग्राम पंचायत देन सेकंड लेवल पंचायत समिति जो कि तहसील लेवल पे होता है एंड थर्ड इज जिला परिषद. ये तीनों के तीनों आपके पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के पार्ट हैं. बट ये ग्राम ग्राम के लेवल है एंड ये आपका ब्लॉक के लेवल है. समिति हैज मैनी ग्राम पंचायत. एक समिति के अंदर ये सारी ग्राम पंचायत मतलब डिपेंड करेगा कौन सी उसमें है. एंड फिर इस जिला परिषद के अंदर ये सारी चीजें आ जाएंगी.
अबू द पंचायत समिति, देर इज ए डिस्ट्रिक्ट पंचायत इसको हम बोलते हैं, और जिला परिषद। उसके बाद जो जिला परिषद है एक्चुअली मेक्स द डेवलपमेंट, बनाती है आपके डेवलपमेंट प्लान पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे विद द हेल्प ऑफ पंचायत समिति। इट ऑल्सो रेगुलेट करती है मनी डिस्ट्रीब्यूशन सभी ग्राम पंचायत को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। एंड विद इन द गाइडलाइन गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ईच स्टेट हैज इन द कंट्री हैज इट्स ओन लॉ विद रिगार्ड टू पंचायत, मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से उनके खुद के लॉ हो सकते हैं, मतलब उनकी नीड के अकॉर्डिंग। एंड द आइडिया इज टू प्रोवाइड मोर एंड मोर स्पेस लोगों को मिले टू पार्टिसिपेट और उनकी वॉइस को रेज कर सके। आज के टीचर को आप देख लेते हैं, आज के लिए बस इतना ही। इसमें आपको बस दो चार बातें याद रखें, एक तो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी आपकी पंचायत राज इंस्टीट्यूशन से आती है, एंड 73rd और 74th अमेंडमेंट हमने किए थे, ये सब हम आगे देख दो। आज के लिए बस इतना ही, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।